गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आने वाले डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ को कैसे हल करते हैं, उसका उत्तर कैसे लिखते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी एसे किस तरह से लिखा जाता है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह की भाषा शैली प्रयोग किया जाएगा आदि चीजों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाओं के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ दिया जाता है और अथवा करके आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग के विषय में दिया जाता है। हाई स्कूल में 6 अंक का, इंटरमीडिएट में 10 अंक का होता है। तो इस तरह से अगर अंक के लिहाज से भी देखें तो यह काफी महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल में जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाता है वो लगभग 100 शब्दों का होता है, इंटरमीडिएट में 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच का। हाई स्कूल में संकेत दिया रहता है, सब्जेक्ट के साथ साथ संकेत दिया रहता है किस टॉपिक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। इंटरमीडिएट में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता, सीधे आपको वहां बनाना है। यहां आ रहे हैं उसके उदाहरण के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द ताजमहल। राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ताजमहल या ए ट्रिप टू ए हिस्टोरिकल प्लेस अथवा किसी ऐतिहासिक नगर का भ्रमण, आने बेसिस ऑफ द गिवन क्लूज, नीचे जो संकेत दिए गए हैं उसके आधार पर ताजमहल पर एक लेख लिखिए, अथवा उसी में ए ट्रिप टू ए हिस्टोरिकल प्लेस किसी ऐतिहासिक स्थान की यात्रा। तो आप आगरा में जाएंगे तो वह ताजमहल, मुख्य चीज तो आगरा का ताजमहल ही है, ताजमहल का वर्णन भी हो जाएगा और ट्रिप भी हो जाएगा। हेंस एन इंट्रोडक्शन, परिचय, परिचय का मतलब कैसे गए, Who built it? किसने ताजमहल बनवाया, Why did he build it? उसने इसे क्यों बनवाया, What is it made of? ताजमहल बना किस चीज का, Why it so famous? यह ताजमहल इतना प्रसिद्ध क्यों है, और कंक्लूजन, निष्कर्ष लिखना। यहां से शुरू करते हैं, लिख ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदर वस्तु, सुंदरता की वस्तु सदा सदा के लिए आनंद प्रदान करती है। किट्स ने लिखा, किट्स की ये पंक्तियां। इंट्रोडक्शन, ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, पिछले गर्मी की छुट्टी के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, पिछले गर्मी के छुट्टी के दौरान, आई विथ माई 5 फ्रेंड्स, मैं अपने 5 मित्रों के साथ went to visit to आगरा, हम आगरा देखने के लिए गए, ए हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक स्थान। ड्यूरिंग द लास्ट समर वेकेशन, पिछले गर्मी के दौरान छुट्टी में, गर्मी की छुट्टियों में, आई विथ माई 5 फ्रेंड्स, मैं अपने 5 मित्रों के साथ went to visit to आगरा, ए हिस्टोरिकल प्लेस ऐतिहासिक स्थान आगरा भ्रमण करने गया। वी वेंट देयर बाई ट्रेन, हम वहां रेलगाड़ी से गए, वी वेंट देयर बाई ट्रेन, हम वहां रेलगाड़ी से गए। आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद, वी मेड अरेंजमेंट, वहां पहुंचने के बाद हमने व्यवस्था किया, परलाजी ठहरने की व्यवस्था हमने की, इन ए धर्मशाला, आफ्टर रीचिंग देयर, वहां पहुंचने के बाद, वी मेड अरेंजमेंट, हम लोगों ने व्यवस्था किया, फॉर लॉजिंग इन ए धर्मशाला, एक धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था की। देन वी टुक ए बाथ इन द रिवर यमुना, और तब यमुना नदी में हम लोगों ने स्नान किया। देन वी टुक ए बाथ इन द रिवर
यमुना, तब यमुना नदी में हम लोगों ने स्नान किया। आफ्टर टेकिंग फूड, भोजन करने के बाद, आफ्टर टेकिंग फूड भोजन करने के बाद एंड 40 wings, अब थोड़ी नींद लेने के बाद वी वेंट टू सी दी ताजमहल, हम ताजमहल देखने चले गए। कर आफ्टर टेकिंग फूड भोजन करने के बाद एंड 40 wings, 40 झपकी मतलब थोड़ी हल्की सी नींद लेने के बाद वी वेंट टू सी दी ताजमहल, हम ताजमहल देखने गए। अगली हेडिंग है हु बिल्ट इट, किसने इसे बनवाया। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। ताजमहल संसार की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। इट स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना, या इन आगरा, या आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इट स्टैंड्स ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर यमुना, यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर आगरा में स्थित है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां, यह मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। इट वॉज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल, यह अपनी रानी मुमताज महल के यादगार में शाहजहां के द्वारा, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, यह बहुत सुंदर दिखाई देता है इन द मूनलाइट, चांदनी प्रकाश में यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, चांदनी प्रकाश में यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। व्हाई डिड ही बिल्ड इट, अगली हेडिंग है उसने इसे क्यों बनवाया, यानी शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया। शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन, शाहजहां ने इसे बनवाया अपने प्रिय महारानी मुमताज महल की यादगार में। शाहजहां बिल्ट इट इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल, शाहजहां ने इसे अपनी प्रिय रानी मुमताज महल की यादगार में बनवाया था। इन ऑर्डर टू मेक हर नेम इमॉर्टल ही गॉट इट गुड, उसका नाम अमर कर देने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक हर नेम इमॉर्टल उसका नाम अमर करने के लिए ही गॉट इट गुड, उसने इसे बनवा दिया। व्हाट इज इट मेड ऑफ, यह किस चीज का बना हुआ है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, यह किस चीज का बना है। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल, यह सर्वन सफेद संगमरमर का बना है। ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इटली, यह इटली के सबसे अच्छे क्वालिटी वाले सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इटली, यह इटली के सबसे अच्छे गुणवत्ता वाले सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द गार्डन्स ऑन थ्री साइड्स, यह तीन दिशाओं से बगीचे से भरा हुआ है। इट इज सराउंडेड बाय द गार्डन्स ऑन थ्री साइड्स, यह तीन दिशाओं से बगीचे से घिरा हुआ है। देयर आर फाउंटेन्स इन द सेंटर, केंद्र में फव्वारे हैं। देयर आर फाउंटेन्स इन द सेंटर, केंद्र में फव्वारे हैं। द ताज स्टैंड्स ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म मेड ऑफ मार्बल, करा द ताज स्टैंड्स, ताजमहल खड़ा है ऑन ए रेज्ड स्मार, एक ऊंचे चबूतरे के ऊपर खड़ा है, मेड ऑफ मार्बल संगमरमर के बने हुए ऊंचे चबूतरे के ऊपर यह ताजमहल बना हुआ। ऑन इट्स फोर कॉर्नर्स, ताजमहल के चारों किनारों पर देयर आर फोर मीनारेस ऑफ मार्बल, संगमरमर की चार मीनारे बनी हुई है। ऑन इट्स फोर कॉर्नर्स, ताजमहल के चारों कोने पर
there are 4 minarets of marble, संगमरमर की 4 मीनारें बनी हुई हैं। बिरोधी डोम गुंबद के नीचे, बिरोधी डोम गुंबद के नीचे there are 2 groups graves, गुंबद के नीचे 2 कब्रें हैं। There are 2 graves, below the dome, गुंबद के नीचे there are 2 graves, 2 कब्रें हैं। The king and the queen lie side by side, राजा और रानी दोनों अगल बगल लेटे हुए हैं। Why is it so famous? ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? It has become famous because, ये प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि, it is a great work of art, क्योंकि यह कला का बहुत बड़ा नमूना है। इट हैज बिकम फेमस, ये प्रसिद्ध हो गया है बिकॉज इट इज ए ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, कला की यह बहुत बड़ी कृति है। इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। एंड सीमेंट्री और सुडौलपन के लिए प्रसिद्ध है। इट लुक्स वेरी चार्मिंग इन द मूनलाइट, चांदनी प्रकाश में यह बहुत आकर्षक लगता है। इट लुक्स वेरी चार्मिंग इन द मूनलाइट, चांदनी प्रकाश में यह बहुत आकर्षक लगता है। इट विल रिमेन ए जॉय फॉरएवर, यह सदा सदा के लिए आनंद का स्रोत बना रहेगा। इट विल रिमेन जॉय फॉरएवर, यह सदा सदा के लिए आनंद का स्रोत रहेगा। इट इज ए ड्रीम इन मार्बल, यह संगमरमर के रूप में एक स्वप्न है। इट इज ए ड्रीम इन मार्बल, संगमरमर के रूप में यह एक स्वप्न है। सो पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर कम टू सी दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बिल्डिंग। सो पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर, इसीलिए दूर दूर से लोग कम टू सी दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल बिल्डिंग, इस सुंदर और अद्भुत भवन को देखने आते हैं। इंडिया इज प्राउड ऑफ इट, भारत को इस पर गर्व है। वी टू ग्रेट जॉय हियर, हम लोगों ने यहाँ बड़ा आनंद किया। कंक्लूजन निष्कर्ष, द रेड फोर्ट लाल किला, मोती मस्जिद आर वर्सिंग करा, रेड फोर्ट और मोती मस्जिद भी देखने लायक। राधा स्वामी टेम्पल एट दयाल बाग इज वेरी ग्रैंड, दयाल बाग का राधा स्वामी टेम्पल भी बहुत शानदार है। इस तरह से देख रहे हैं ताज नगरी का, विशेष रूप से ताजमहल का वर्णन किस प्रकार से किया गया। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद भी इसके विषय में सक्षम होते चले जाएंगे। थैंक यू।